फास्ट इंडिया का गंदगी हटाओ अभियान, पिंक सिटी का रियलिटी चेक, जयपुर ग्रेटर में गंदगी का हाल आपको दिखाते हैं। आखिर कहाँ है 7 दिन का वादा करने वाली मेयर? क्या 7 दिन में साफ हो गई है जयपुर ग्रेटर से गंदगी? और ये तस्वीरें आप देखिए, जहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये गंदगी जिससे कोई भी बीमार पड़ सकता है। और क्योंकि अब बारिश का मौसम है और ऐसे में जिस तरह ये गंदगी है उससे और ज़्यादा बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। तो ये वो तस्वीरें हैं, क्योंकि जो शील धाबाई हैं उन्होंने कहा था, कार्यवाहक मेयर उन्होंने कहा था कि 7 दिन के अंदर वो सफाई करवा देंगी, बिल्कुल एकदम साफ होगा ग्रेटर। लेकिन उसके बाद की ये तस्वीरें आप देखिए, तो क्या मेयर शील धाबाई के पास इन सवालों का कोई जवाब है? जयपुर शहर की सफाई राम भरोसे है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज चला रहा है क्लीन योर सिटी, फर्स्ट इंडिया क्लीन योर सिटी। इसकी बात फर्स्ट इंडिया की तरफ से, लेकिन जयपुर ग्रेटर का हाल जरा आप देखिए, कचरे का ढेर यहाँ लगा हुआ है। थोड़ा बहुत कचरा नहीं है ये, और हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा ने इस हालात का जायजा लिया कि कहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। 7 दिन में जयपुर ग्रेटर नगर निगम के सभी वार्डो की सफाई का दावा तो किया गया, कार्यवाहक मेयर शील धाबाई द्वारा ये दावा किया गया, लेकिन कितनी सफाई यहाँ पर है आज उसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं। इस वक्त हम लाल कोठी में मौजूद है, जहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पुलिस हेडक्वार्टर है, और दूसरी तरफ ये है लाल कोठी सब्जी मंडी। अब इसी के बीच में हम मौजूद हैं, बीच की ये तस्वीर आप देखिए, जहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है और 100 मीटर का ये रास्ता है जिसमें कचरे का ढेर लगा हुआ है। पक्की सड़क ये बनी हुई है, लेकिन सड़क आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि कुछ सड़क दिखेगी तब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर सड़क है, क्योंकि कचरे की वजह से ये पूरी सड़क यहाँ पर कवर कर ली जा रही है। और इस कचरे का ढेर जो 100 मीटर में लगा, इससे 20 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर है। अब सवाल ये उठता है कि जो सफाई की बात यहाँ पर कही जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे कि 7 दिन के अंदर सफाई कर ली जाएगी, पूरा साफ स्वच्छ पूरे जयपुर को बना लिया जाएगा, खासतौर से ग्रेटर नगर निगम को, तो अभी स्थितियाँ क्या है ये आप देखिए। यहाँ 7 दिन तक कचरा नहीं उठता है, कचरा यहाँ से पड़ा नहीं है, कचरा सड़ रहा है, और इसकी वजह से यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमें मास्क लगाना इसलिए ज़रूरी सरकार ने किया है कि आपको कोविड से बचना है, लेकिन हमारे लिए मजबूरी है कि बिना मास्क के अगर हम रहेंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतना बदबू है यहाँ, इतनी ज़्यादा बदबू है कि हम यहाँ खड़े नहीं रह पाते हैं। लेकिन इस बदबू के बीच में ही हमें यहाँ पर काम करना होता है, हम खाना खाते हैं, कचरे में बैठी मक्खियाँ हमारे खाने के ऊपर बैठती हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। जब शिकायत की जाती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, आप इसे हटाइए, तब ये कहा जाता है कि हाँ हम गाड़ी भेज रहे हैं। इसके बाद एक दो गाड़ी आती है, आप समझिए 100 मीटर की दूरी पर जो कचरा हो, क्या एक दो गाड़ी से काफ़ी हो जाएगा? क्या ये उठ जाएगा? नहीं उठेगा। लेकिन एक दो गाड़ियों में ही सिर्फ इतिश्री की जाती है, यानी फॉर्मेलिटी की जाती है कचरा उठाने की। अब सवाल ये होता है कि जब मेयर हो या दूसरे जिम्मेदार हो जिन्होंने ये दावे किए थे कि सफाई हो, नगर निगम की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, लेकिन सबसे अहम जो है वो ये कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त यहाँ पर रहे, वो यहाँ पर नजर नहीं आती है। उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदार इन तस्वीरों को देख रहे हैं, और ये सिर्फ जयपुर की एक तस्वीर है एक जगह की, ये लाल कोठी सब्जी मंडी के पीछे की है, ये लाल कोठी सब्जी मंडी के बीच में जो हेडक्वार्टर पुलिस हेडक्वार्टर पड़ता है उसके बीच का ये तस्वीर है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह है राजधानी जयपुर में जहाँ सफाई की दरकार है, कचरा उठाने की दरकार है। कम से कम ये जो जिम्मेदारी है वो नगर निगम उठाए, और इन तस्वीरों को देख के उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदार भी जागेंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ श्वेता मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा जो कि अलग अलग जगह पहुंची, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो पुलिस मुख्यालय की तस्वीरें थी। ये वो तस्वीरें थी जहां पर सिर्फ आज का कचरा या 4-5 दिन का कचरा नहीं है, एक लंबे समय से कचरा लोग डालते रहते हैं, जो आसपास रहते हैं वो कहते हैं इतनी बदबू हो चुकी है क्योंकि ढेर सारा ये कचरा है, ढेर ये कचरे का पड़ा हुआ है, यहाँ जो लोग हैं वो बदबू से परेशान हो गए हैं। ये बदबू अलग चीज़ है, इससे आप ये ज़रा समझिए कि ये कितनी गंदगी, कितनी बीमारी फैला रहा है। आप जब बरसात का मौसम आ गया है, ऐसे में अगर ये कचरा ऐसे ही पड़ा रहा तो कैसे सफाई होगी, कैसे हम बीमारी से बचेंगे?